दिल्ली एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी ने बेहद मामूली अंतर से भले ही बहुमत पा लिया हो और मेयर पद पर अपना दावा ठोक रही हो, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसलिए बीजेपी दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकती है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगर बीजेपी सही से दांव खेल ले तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तो दोनों के पार्षदों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दूसरा ऐन वक्त पर कई पार्षद पाला बदल लें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद भाजपा के कई नेताओं ने मेयर चुनाव न लड़ने के संकेत दिए थे, लेकिन अब शायद पार्टी अपने इस निर्णय पर विचार कर रही है। लेकिन अब दिल्ली भाजपा ने संकेत दिए हैं कि वे मेयर पद का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों का भी समर्थन कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि कई नेताओं ने कहा था कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। अभी चर्चाएं जारी हैं और इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि भाजपा किसी पार्षद को चुनाव में उतारे। अगर चुनाव होता है कुछ भी हो सकता है, भाजपा का कोई पार्षद नॉमिनेशन कर सकता है और मेयर व डिप्टी मेयर पद का चुनाव लड़ सकता है। चीजें 27 दिसंबर तक साफ हो जाएंगी। वहीं एमसीडी मेयर चुनाव में भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं, इस पर भाजपा से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। भाजपा पिछले 15 सालों तक एमसीडी में कब्जा जमाए हुए थी, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा को सिर्फ 104 वार्ड में जीत मिल सकी। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 9 पार्षद जीते। बता दें कि दिल्ली मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबेरॉय को प्रत्याशी बनाया है और ईस्ट पटेल नगर से पार्षद का चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी ने डिप्टी मेयर के लिए वार्ड नंबर 76 के पार्षद आले मोहम्मद इकबाल को प्रत्याशी बनाया है।